गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? बचपन। अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, शुरू शुरू में चश्मा लगाना पड़ा, अटपटा लगा। शुरू शुरू में क्या लगा? चश्मा लगाना पड़ा, अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में एनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कह दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी में छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के शब्दार्थ। शुरू शुरू में, प्रारंभ में, अटपटा, अजीब, तकलीफ, कष्ट, उम्र, आयु, आश्वासन, भरोसा, विश्वास, जिम्मेदार, उत्तरदायी। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। यहाँ लेखिका अपना चश्मा न उतारने को की व्याथा को व्यक्त कर रही है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। शुरुआत में लेखिका को चश्मा लगाना बड़ा अजीब लगता था। चश्मा लगाने पर छोटे बड़े सभी लेखिका को टोकते थे और पूछते थे कि क्या आंखों में कोई तकलीफ है जो इस उम्र में चश्मा लग गया। वे लोग लेखिका का दूध पीने की सलाह देते थे। लेखिका को डॉक्टर साहिबा की कही बात कि कुछ देर पहने से चश्मा उतर जाएगा दोहरा देता थी। लेखिका को चश्मा देते वक्त डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि यदि आप नियमित चश्मा लगाएंगी तो ये उतर जाएगा, परंतु चश्मा उतर नहीं, बस नंबर जरूर कम हो रहा है। इसके लिए लेखिका ने स्वयं को ही जिम्मेदार बताया, क्योंकि वह दिन की रोशनी में काम न करके रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। इस स्थिति में चश्मा कैसे उतर जाता है? चश्मा नहीं उतरता। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका को डॉक्टर साहिबा से क्या आश्वासन दिया? लेखिका को डॉक्टर साहिबा ने आश्वासन दिया कि यदि आप चश्मा नियमित पहनेगी तो यह उतर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखिका किस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार और कैसे? चश्मा न उतरने के लिए लेखिका स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वह दिन की रोशनी में काम न करके रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? शुरुआत में चश्मा लगाने पर लेखिका के हाथ के साथ क्या हुआ? शुरुआत में चश्मा लगाने पर यह हुआ कि छोटे बड़े लोग लेखिका के आंख में तकलीफ के बारे में पूछते थे और दूध पीने की सलाह देते थे। अगला क्या है? लेखिका के चश्मे का नंबर कम क्यों होता गया? दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने से लेखिका के का नंबर कम होता गया। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने पूछा, छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, मैं खिंजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर से बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, इनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। चश्मा एनक, छेड़ा चिड़ाया, सूझे दिखे मालूम पता, सूरत सकल शेर कविता, खींच झुंझलाकर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग फर्स्ट में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। यहाँ पर लेखिका के चश्मे का मजाक बनाते हुए उसकी चचेरे भाई द्वारा छेड़ा जा रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखिका का जब पहला चश्मा बनकर आया और उसने उसे पहली बार लगाया तो उसकी चचेरे भाई ने छेड़ते हुए कहा कि देखो ये चश्मे में
कैसी लग रही है? लेखिका के चचेरे भाई ने एक शेर पढ़ते हुए बताया कि लेखिका ने अपनी आंखों पर चश्मा इसलिए लगाया है ताकि उसे दूर क्यों दिखाई दे, परंतु इस लड़की को यह नहीं मालूम है कि चश्मा लगाने से इसकी सूरत लंगूर जैसी हो गई है। इस शेर को बार बार सुनकर लेखिका को झुंझुराहट तो हो रही थी, परंतु उसे यह शेर अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसलिए उनके चाय पीकर चले जाने के बाद लेखिका अपने कमरे के दर्पण में बार बार चश्मा लगाकर वह उतारकर देखते हुए सोचने लगती है कि सूरत लंगूर जैसी है या नहीं। वह हाँ या ना के असमंजस में उलझ रही है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त अध्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक लेखिका का पहला चश्मा। लेखिका के पहली बार चश्मा लगाने पर किसने क्या कहकर छेड़ा? उसके एक चचेरे भाई ने यह कहकर छेड़ा कि देखो देखो सूरत लंगूर की लग रही है। चचेरे भाई के चले जाने के बाद लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने अपने कमरे में आईने के सामने बार बार चश्मे को पहनकर वह उतार कर देखा। लेखिका बार बार चश्मे को पहनकर वह उतार कर किस असमझ में थी? लेखिका इस असमंजस में थी कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है यह नहीं। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजा किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की चमक कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाले हिमाचली टोपियाँ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अजीब, अनोखा, जमा करना, इकट्ठा करना, सहज सहल, सरल सीधी, सुभिते, सुगम, आरामदायक। अब हम देखते हैं इसका पाठ्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ बचपन से लिया गया है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। यहाँ लेखिका चश्मे के साथ दुपट्टों व टोपियों को याद कर रही है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखिका आईने में अपने आप को चश्मा पहनकर देखते हुए मजाक मजाक में अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर अपने सीध पर रख लेती है, जो देखने में भी अच्छा लगता है। ये सब उस समय की बात थी जब चश्मा नया नया था। अब तो चश्मा चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि कभी उतारना भी पड़ता है तो चेहरा खाली खाली सा दिखाई देता है। आज लेखिका को वह टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत याद आ रहे हैं। आ लेखिका शिमला में सिर पर हिमाचली टोपियां पसंद करती है। आज उसके पास कई रंगों की टोपियां, आज उसे सहज सरल व सुगमता वाली हिमाचली टोपियों की पहन कर दुपट्टा और नाचा लगता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका ने सिर पर क्या पहना और वो कैसा लग रहा था? लेखिका ने सिर पर अपने छोटे भाई का टोपा पहना, वो उसे अजीब लगने के साथ साथ मजाक किया और अच्छा लग रहा था। चेहरे के साथ कौन घुल मिल गया और अब उसके बिना चेहरा कैसा लग रहा है? चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया और अब उसके बिना चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका को क्या याद आ गया है? लेखिका को वह टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत याद आ गई है। इन दिनों लेखिका शिमला में क्या पहनना ओढ़ना पसंद करती है? इन दिनों लेखिका शिमला में सिर पर सहज सरल व शुभम हिमाचली टोपियां पहनना और दुपट्टा ओढ़ना पसंद करती है। तो इन पैराग्राफों को क्या करोगे? इन पैराग्राफों को आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।